ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जसपुर के भगवंतपुर गांव में देर रात को गुलदार और शेर दिखाई दिया, जिस कारण से वहां के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन सभी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गांव भगवंतपुर में और ये पश्चिम की दिशा में जहाँ हमारा खेत होता है कोई वाला खेत होते हैं। 20-25 से लगातार लगभग 9.5 बजे से 10 बजे तक एक गुलदार सा अलग जीव जो जिसे हम शेर कह रहे हैं इस तरह का आ रहा है, और 3-4-5 दिन से हम लोग उसे टैसर देख भी रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे। वन विभाग से संपर्क बनाया है, 100 नंबर पर फोन करा है। लगभग 15 दिन से गुलदार और शेर काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है लगातार, जिससे हम सारे गांव वाले डरे हुए हैं। हमारा बस्ती से नज़दीक मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर नहीं है, वहाँ रोज़ आता है दहाड़ता है। हमारे पशु वगैरह हैं, हम चिंतित हैं, घास कूड़ा कुछ नहीं ला पाते हैं और वन विभाग वालों को सूचित किया हमने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाकामी हमें नज़र आ रही है। डरे लग रहे हैं वो कभी सुबह का घास दे कर शाम को देते हैं। इस चक्कर में आज हम विधायक जी के पास आए हैं, विधायक जी को उन्होंने आश्वासन दिया है। बरसों से गुलदार का आतंक हमारे पतरामपुर क्षेत्र जसपुर में बढ़ा है, और उसी के लिए एक बार अभी क्योंकि रायपुर में भी एक हमला हुआ था जिसमें वो बाघ यूपी की महिला थी, और अभी कुछ दिन पहले पथरामपुर में भी हुआ है, और अभी भगवंतपुर के लोग आकर बता रहे हैं कि गुलदार और बाघ दोनों देखे गए। तो मैंने रिंजन महोदय से कहा है कि आप कैमरे लगा कर उसकी मॉनिटरिंग करें और उसमें जहाँ भी हो तो पिंजरा लगाकर उसको पकड़ने का प्रयास करें।